नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश के बैतूल में दलित युवक पर प्राणघातक हमला, युवक गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की। तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूरी पर बसी ग्राम पंचायत घाट बिरोली निवासी एक दलित युवक बुधराम डोंगरे पर गांव के ही तीन लोगों जगदीश विश्वकर्मा, मनोज कोगे, नीलेश कोगे, इस सबने मिलकर पुराने रंजिश को लेकर कुल्हाड़ी से प्राणघातक हमला कर दिया, जिससे गंभीर चोटें आई हैं। युवक के हाथ हड्डी सिर की टूट गए, सिर कंधा हाथ पर चोट आई है, जिसकी रिपोर्ट मुलताई थाने में दर्ज की गई है, परंतु अभी तक पुलिस के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। पीड़ित युवक भयभीत है, उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस होता है, इसलिए प्रशासन से निवेदन है कि आरोपियों पर उचित कार्यवाही कर न्याय दिलाया जाए। स्टेट कोऑर्डिनेटर राजेश खड़से की रिपोर्ट। क्या घटना घटी आपके साथ, जरा डिटेल में बताइए। तारीख 9 महीने 2021 पर मुझे सुबह मेरे घर में भूखा था, जिसकी रिपोर्ट मैंने 7 तारीख 9 महीने में दर्ज करवाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 14 तारीख को सर तीन लोगों ने पकड़ के मेरे को मारा, जगदीश विश्वकर्मा, नीलेश कोगे और मनोज कोगे ने कुल्हाड़ी से मेरे हाथ पे वार किया और इधर के कंधे पे भी वार किया। यानी आपको बहुत गंभीर चोटें आई है, इस संबंध में पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई करी? कोई कार्रवाई नहीं की। आपने कहाँ कहाँ आवेदन प्रस्तुत किए? सर मैंने महिला थाने में भी आवेदन करवाया था, दुनाव चौकी में भी, यहाँ मुलताई में भी FIR दर्ज करवाई, लेकिन कहीं से कोई कार्रवाई नहीं। अब आप क्या चाहते हैं? कार्रवाई चाहते हैं।